नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की। दोस्तों, सीरियल मंगल लक्ष्मी के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से हमारी प्यारी सी मंगल और कुसुम मिलकर सौम्या को उसकी औकात दिखाने वाली है। वो सौम्या जो बार बार मंगल को जो है परेशान कर रही है, उसकी जिंदगी को बहुत ज्यादा कष्टमय बनाने की कोशिश कर रही है, जो मंगल को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, बार बार उसकी बेइज्जती कर रही है, हर मौके पर उसके साथ जो है बुरा बर्ताव कर रही है, उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा रही है। और आदित्य भी यहाँ पर मंगल के खिलाफ काफी ज्यादा बकवास कर रहा है, उसके खिलाफ काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है। ये सब चीजें देख देख कर कुसुम और मंगल अब थक चुके हैं। इसीलिए अब कुसुम ने फैसला किया है कि मंगल को वो कुछ भी नहीं करने देगी, उसे एक महारानी रानी बनाकर, अपनी बेटी बनाकर आराम करने को कहेगी और घर की सारी जिम्मेदारी सौम्या यानी जो घर की बहू है उसे देने वाली है, उसे पूरी तरीके से घर की नौकरानी बना देने वाली है। और ये सब जब अदित देखेगा तो उसे समझ में आएगा कि सारा काम मंगल से बेटर कोई हैंडल नहीं कर सकता है। तब उसे एहसास होगा कि इसने मंगल की बेइज्जती करके, उसकी इंसल्ट करके कितनी बड़ी गलती की है। तो वहीं पर सौम्या को भी होगा इस बात का एहसास कि मैंने तो सिर्फ अदित से शादी करनी थी, इस घर गृहस्थी के नौकरों वाले काम के लिए तो मंगल ही ठीक थी, मैंने तो है उससे पंगा लेके उसको जो है काम से छुड़वा छुट्टी दिला दी और उसकी जगह पर अब मैं जो है घर की नौकरानी बन गई हूँ। तो अब जरूर सौम्या कुछ ना कुछ ऐसा चक्कर चलाने वाली है जिससे कि उसको इन सब चीजों से आजादी मिले और यहाँ पर सौम्या की जगह पर कुसुम घर का काम करती नजर आए। तो क्या ये ऐसा हो पाएगा? आदित्य क्या समझ पाएगा सौम्या के गलत इरादों को? क्या कह रहा है आपका इसको लेकर, कमेंट करके जरूर बताइएगा।